निष्कर्म का अर्थ कृपा श्रीधर स्वामी जी करते हैं सन्यासेना, सम्यासेना, सम्यास, सम का अर्थ है सम्यक और न्यास का अर्थ है रखना, जैसे शिला न्यास करते हैं, नी आस न्यास, ठीक से रखना। किसको रखना? आत्मा को जगह से रखना और वाणी को उसके उचित स्थान पर रखना, कान को उचित स्थान पर रखना, देह को उचित स्थान पर रखना, न्यास करना, इसको सन्यास कहते हैं। इसका अर्थ है निवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग भगवान की भक्ति का मार्ग, जिसमें इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ नहीं किया जाता है बल्कि आत्मा का न्यास करते हैं। आत्मा को मानते हैं कि यह कृष्ण का नित्य दास है तो उसको दासता में न्यस्त करते हैं। दास भाव में भावना होती है मैं कृष्ण का दास हूं, ये जो थिंकिंग है यह है सन्यास आत्मा का। वाणी को भगवान के गुणानुवाद में यह है वाणी का सन्यास, सम्यक न्यास भगवान के गुणानुवाद में। सवई सवई मन कृष्ण पदारविंद, और मन को भगवान के रूप के चिंतन में, लीला के चिंतन में लगाना, कान को भगवान की कथा में लगाना, हाथ को भगवान की सेवा में, चरण को भगवान की परिक्रमा में, धाम की यात्रा में या प्रचार में लगाना, इसको सन्यास कहा गया है। पहले जमाने में इस तरह से कोई परफेक्ट व्यक्ति होता था जो भगवान की सेवा में पूर्ण लगा होता था तो उसको एक भेष दिया जाता था, कुछ नाम दिया जाता था, लेकिन वास्तविक सन्यास वही नहीं है। भगवान ने गीता में सन्यास की परिभाषा दिए हैं, जो काम्य कर्मों का त्याग करके, इंद्रियों के इंद्रिय भोगों के संकल्प का त्याग करके कर्म करता है उसको सन्यासी कहा गया है। यहां तक कहते हैं न निरग्नि न चाक्रिय, ऐसा नहीं कि जो भोजन न पकावे, अग्नि न जलावे वो सन्यासी है, और अक्रिय जो काम धंधा न करे वो सन्यासी, ऐसा नहीं है। भगवान इसकी आलोचना करते हैं। तो